हेलो एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। तो देखिए, एनबीसीसी इंडिया का शेयर 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको बता दूं कि सरकारी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रेशर जरूर रहेगा इसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक कोरोना का खतरा है, जब तक कोरोना फैला हुआ है, तब तक लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रेशर होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का फ्यूचर कैसा रहेगा, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनबीसीसी इंडिया 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में इसके शेयर में 10% की गिरावट है। कंटिन्यूअस गिरावट बनी हुई है। 27 रुपए से शेयर टूट कर बिखर रहा है। 22 रुपए 90 पैसे का लो बनाया, बाद में तेजी भी आई। लेकिन फिर से अगर हम देखें तो एक ही प्राइस रेंज में ये शेयर अटका हुआ है। 23 और 24 रुपए के आसपास के प्राइस रेंज में अटका हुआ है ये शेयर। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में एनबीसीसी इंडिया में 31% की गिरावट देखने को मिली है। 41 रुपीज के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। और अभी अगर हम देखें तो पिछले काफी वक्त से, 8वें महीने से, मतलब तकरीबन 1.5 महीने से इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन 3 साल का चार्ट देखेंगे तो पिछले 3 साल में इसमें 78% की भी गिरावट है। 145 रुपए के लेवल से टूटकर शायद नीचे आया है। जब भी तेजी आई, उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट हमें दोबारा देखने को मिल गई। 10 साल का चार्ट अगर आपको सामने रिप्रेजेंट करे तो 10 साल का चार्ट अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो इसका आईपीओ आया था वो 2012 में आया था। तब से लेकर आप देखिए, एक बड़ी रैली आई, लेकिन 2017 के एंड से एक भयंकर गिरावट की चपेट में शेयर आया और टूटकर बिखरता ही चला गया। और कंटिन्यूस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली भी है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4,250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 28 लाख से 29 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 3.88% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईआई म्यूचुअल फंड दोनों ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी कट डाउन यहाँ पर जरूर की है। सरकारी कंपनी है तो भाई अब जरूर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर, 61.75% की होल्डिंग है उनके पास। 18 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा हुआ है, 86 एफआईआई से भी पैसा लगा है, लेकिन प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ये एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी का नाम देखने को मिल रहा है 6.55% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 17.74% के आसपास भी यहाँ पर देखने को मिली है। और डेफिनेटली डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। आप देखिए, 65% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिला है। अगर मैं आपको एनबीसीसी के बारे में दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी इस शेयर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदारी करने की भी सलाह दे रहे हैं, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि बढ़िया मौका है, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सरकारी कंपनी आम्रपाली के कई सारे केस जो प्रोजेक्ट है वो इनको मिले हैं, जेपी के कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो इनको मिले हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बढ़िया बैलेंस शीट है इनके पास। काफी सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इनको कंप्लीट भी करने हैं, तो काम बहुत है इनके पास, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक के दौरान भी इसने 10 करोड़ का मुनाफा कमाया था, हालांकि वो कम प्रॉफिट है क्योंकि इनकम भी कम हुई थी। जो पहले इनकम 2,650 करोड़ की पर क्वार्टर होती थी, वो 730 करोड़ की ही हुई थी। तो 10 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था, जबकि इससे पहले कंपनी 85 करोड़ से 55 करोड़ तक के भी प्रॉफिट दर्ज करा चुकी है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग की बात दिखाऊं तो शेयर होल्डिंग में आप देखिए 61.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन एफआईएस के भी अच्छे खासे होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया है। ओवरऑल देखने जाए तो एनबीसीसी एक अच्छे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर और प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही सस्ता हो चुका है, 150 रुपए के लेवल से शायद टूट के नीचे आया है, और जरूर एक अच्छा चांस है यहाँ पर खरीदारी करने का। लेकिन कुछ चीजें भी हैं जो आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। खरीदारी आप इस शेयर में तभी करें जब आप कम से कम 1-1.5 साल के निवेश का प्लान हो यहाँ पर। अगर आप 1-2 महीने के लिए आए हैं निवेश करने के लिए तो अवॉइड करें इस शेयर को, 1-2 महीने में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है।
अगर आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का है तो ही अगर आप चाहे तो यहां पर निवेश करें, और एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी भी मत खरीदे। क्योंकि देखिए अभी भी कह नहीं सकते कि इसका बॉटम कहाँ है, अभी भी शेयर कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए और 200 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, ना कि ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी आप खरीद ले यहाँ पर। तो खरीदारी करो तो 1.5 साल 1 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ पर, और टुकड़ों में खरीदारी करो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करो, और ये सोच के खरीदारी करो कि इसमें गिरावट आएगी तो आपके पास मौका होना चाहिए थोड़ी और क्वांटिटीज ऐड करने का। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन काफी ज्यादा प्रेशर में है कोरोना के चलते। क्योंकि कोरोना के चलते अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने जाए तो लोगों की जो खर्च करने की क्षमता है वो भी अभी काफी कम हो चुकी है। तो ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा फटका जरूर लगा है। कोविड के केसेस अभी भी बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, लेकिन फिर भी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो अभी भी उतनी ज्यादा रिकवर नहीं कर रही है, और जो कर भी रही है तो वो जो मार्केट लीडिंग कंपनियां हैं वो रिकवर कर रही है, जो छोटी कंपनियां हैं उसके ऊपर अभी भी प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि छोटी कंपनी हमेशा कैश से जूझती है, पैसों से जूझती है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर एनबीसीसी उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तब इसमें भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। और सरकारी कंपनी है तो कल को अगर सरकार किसी प्राइवेट प्लेयर को भी देती है तो भी जो शेयर होल्डर्स है उनका फायदा है यहाँ पर। अगर प्राइवेट प्लेयर को नहीं देती है, सरकार खुद इसको रिफॉर्म करके खुद से चलाने की कोशिश करती है, तब भी एक बड़ी कहते हैं कि पॉजिटिविटी भी यहाँ पर है, उतनी ज्यादा डरने की जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। ओवरऑल एनबीसीसी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर नजरिया लंबी अवधि का है, और डेट्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, प्लीज काफी लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि मुझे 10,000 शेयर खरीद लिया, क्या अभी खरीद लो इस प्राइस पर। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में, आपको 10,000 शेयर खरीदने भी हो तो खरीद सकते हो, लेकिन एक साथ मत खरीदो, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये सोच खरीदारी करो कि गिरावट आएगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप थोड़ी और क्वांटिटी को वहां पर ऐड कर पाए, ना कि ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आप एक ही लेवल पर फंसा के रख लें। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदो और 1-1.5 साल का प्लान हो तो ही निवेश करना, वरना इससे दूर ही रहे, शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो इसी के बाद वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, अगर चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।